नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर लगातार काम कर रही है और ऐसे में हैदराबाद स्थित प्राइवेट सेक्टर की फर्म मैग्नम विंग्स ने एक नया मिनी वाइपर वीटोल यूएवी को लॉन्च किया है। बता दें कि इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के अलावा पेलोड की डिलीवरीज के लिए किया जा सकता है और इसकी खासियत है कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डुअल सेंसर लगाया गया है और ये लगातार 360 डिग्री का रोटेशन भी कर सकता है और ये यूएवी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम है और ये आसमान में 2 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा ये 60 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। 15,000 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंच सकता है और इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों पिछले महीने एक डिफेंस अपडेट में हमने आप सबको बताया था कि डीआरडीओ अपने एक नए एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इराट्स पर काम कर रहा है और इसमें 2 तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइल लगी होंगी, जिसमें की पहली ERSAM मिसाइल होगी जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी और दूसरी होगी XRSAM मिसाइल जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। कहा यह जा रहा है कि DRDO ने इस मिसाइल सिस्टम का फैब्रिकेशन पर काम शुरू कर दिया है और इसमें कई तरीके के कंपोनेंट्स को भी DRDO बना चुका है। अगर बात करें इस एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की यानी कि इराट की एक फायरिंग यूनिट की, तो इसमें 2 ERSAM लॉन्चर्स 2 XRSAM लॉन्चर्स भी होंगे जो कि 16 मिसाइलों को अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इसमें एस बैंड सर्च एंड ट्रैक रडार, इसके अलावा एक एक्स बैंड फायर कंट्रोल रडार और एक एक्स बैंड मास्ट माउंटेड रडार भी होगा जो कि किसी भी तरीके के नीचे उड़ान भर रहे यानी कि लो फ्लाइंग जो सबसोनिक और सुपरसोनिक टारगेट्स हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। भारत की ओशो कोऑप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने एक इन्फ्लेक्टिबल डिकॉय सिस्टम तैयार किया है जो कि रडार रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट से बना है जो कि दुश्मन के एडवांस सर्विलांस को रिसीव कर देगा और ये दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें असली हथियार सिस्टम से दूर रखेगा। इसका वजन 60 किलोग्राम है और इसे आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और 30 मिनट के अंदर से डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही ये जो डिकॉय सिस्टम है वो वाटरप्रूफ है, इसे रिपेयर करना भी काफ़ी आसान होगा और ये -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है युगांडा की तरफ से। बता दें कि युगांडा और भारत ने एक MOU पर साइन किया है जिसके तहत भारत का HAL युगांडा एयरफोर्स के 6 SU-30 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस और सपोर्ट करेगा। बता दें कि युगांडा ने 2012 में रशिया से SU-30 फाइटर जेट्स लिए थे जिनकी कुल लागत $635 मिलियन थी। युगांडा का कहना है कि उनका भारत पर पूरा विश्वास है अपने फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए और अगर भारत युगांडा की इस काम को बेहतर तरीके से कर लेता है तो भारत को युगांडा की तरफ से और भी कई सारे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिनमें कि युगांडा के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे T-90 टैंक्स भी शामिल है। इसके अलावा युगांडा रशियन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को भी ऑपरेट करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत अपने T-90 टैंक्स का 80% स्वदेशीकरण कर चुका है। यही नहीं युगांडा रशियन एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल का भी इस्तेमाल करता है। वहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, ऐसे में भारत के पास एक बड़ा मौका है और ये मौका केवल युगांडा की तरफ से नहीं उन देशों की तरफ से भी भारत को मिल सकता है जो कि रशियन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जिसे भारत पूरी शिद्दत से निभाएगा। दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किस वाले कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।